हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है और ए है, और उसका ए का जो डिटरमिनेंट वैल्यू वो कितना आपके पास है 4, और एक और डिटरमिनेंट आपके पास है बी, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है। ठीक है, तो आपसे बोला है कि डिटरमिनेंट आप 2ab की वैल्यू बताइए। आपको पता है कि ये इसका इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो ऐसे कि 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा तो ए का ऑर्डर दिए आपको पास। देखो ए भी आपके पास एक डिटरमिनेंट है 3x3 का, और बी भी आपके पास कितना है 3x3 का। तो इनसे जो इन टू होगा वो भी डिटरमिनेंट जो बनेगा, ए भी कैसा बनेगा, ए भी जो बनेगा नया डिटरमिनेंट वो भी कैसा, मान लो ए डैश है ए आई जे, तो भी बनेगा 3x3 का बनेगा। तो ये जब निकलेगा, 2 कांस्टेंट है, जब निकलेगा तो जितने ऑर्डर डिटरमिनेंट होता है वो उसके पावर कांस्टेंट की पावर लग के आता है। तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगी 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। अच्छा, आप जानते हो कि डिटरमिनेंट में क्या, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालो या फिर उनको क्या करो अलग अलग निकालो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो वैसे अलग अलग कर लिया प्रॉपर्टी से, तो 2 की पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होता है, देखो आपको दिया है 4, डिटरमिनेंट ऑफ बी आपको कितना दिया है 3, तो ए ये कितना होगा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 96। आपका आंसर कितना होगा 96।